देखिए ना कि भाई आप क्या पाना चाहते हैं, आपके समाज में, आप जहाँ काम करते हैं वहां, या फैमिली में। अभी तो जॉब पाना चाहते हैं, पैसा, एजुकेशन, आपका बिजनेस बड़ा हो, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, जो भी आप पाना चाहते हो। अभी ये जो पाना चाहते हैं आप आपके लाइफ में, देखो कि आपके लिए यह जो है चीज, उसका मतलब क्या होता है। देखो चूहे जो है, दो चूहे, तो वो दो चूहे और ये दो आदमी देख रहे हैं भूल भुलैया में चीज। चीज मतलब ये खाने का चीज, पीला वाला जो आता है, सफेद आता है, वो चीज ढूंढ रहे हैं खाने के लिए भूल भुलैया में। आप क्या ढूंढ रहे हैं आपके भूल भुलैया में? आपका भूल भुलैया ये है सोसाइटी, फैमिली, कंपनी, होल वर्ल्ड। और आप क्या ढूंढ रहे हैं उसमें? उसमें ढूंढ रहे, आपको जॉब मिल रहा था, मिलेगा जॉब कि नहीं मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एजुकेशन ज्यादा मिलेगा कि नहीं, बिजनेस, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, आप क्या चाहते हो? आप आपके दिमाग में पक्का रखो, कोई भी एक चीज ले लो, है ना। आप क्या चाहते हो आपके लिए, आपके जिंदगी में ये चीज का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो स्निफ एंड स्करी है, वो उसमें ढूंढते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते भूल भुलैया में, और भूल भुलैया में घूमते घूमते उनको एक चीज का स्टेशन मिल जाता है, उसका नाम है चीज स्टेशन सी। बहुत खुश हो जाते हैं, चीज स्टेशन सी मिल गया, बहुत बड़ा चीज स्टेशन रहता है, बहुत बड़े चीज वहां रहते हैं, और बहुत खुश हो जाते हैं। वो पहले, उसके पहले दौड़ रहे थे, उनके पास में जॉगिंग के शूज थे, उनके पास में जॉगिंग के ड्रेस थे, और वो ढूंढ रहे थे अंदर, और वो भूल भुलैया में उनको वो चीज मिल गया, खाया, ढकार दिया, बहुत खुश हो गए। वो क्या बोले कि भाई इतना बड़ा चीज है यहाँ, इतना बड़ा चीज स्टेशन है, अपने को जिंदगी भर यही खाने को मिल जाएगा, अपने को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो जो भूल भुलैया रहता है मेज, उसके पास में अपना एक घर बना लेते और वहीं रहना चालू कर। सुबह उठना, हाथ पैर धोना, मुंह धोना, अंदर भूल भुलैया में जाना, चीज स्टेशन जाना, और चीज स्टेशन जाके चीज खाना, ढकार देना, वहां से आना घर में, आराम करना, फिर जाना जब भूख लगी तब, फिर चीज खाना, फिर वापस आना, ऐसा कर रहे हो, ठीक है ना। उनका वो डेली रूटीन एक सेट कर लेते हो। और बाद में क्या होता है कि बोले अपने को भी वो ड्रेस, जॉगिंग ड्रेस की जरूरत नहीं है, जूतों की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम क्यों लगाना, बाजू में रखो। और दिन ब दिन वो लेजी होते जा रहे, क्योंकि उनको जो चाहिए वो उनको मिल गया था, पेट भर रहा था, चीज मिल गया था, बाजू में घर बसा लिया, अंदर घुसना, चीज खाना, वापस आना। अब ये दो आदमी जो थे, हेम और हॉ, तो ये आदमियों का क्या, उनको भी वो चीज स्टेशन मिल गया, और वो चीज स्टेशन मिलने के बाद में वो भी वहां आते थे, खाना खाते थे, मतलब चीज खाते थे जाके, उन्होंने भी अपना घर थोड़ा सा बाजू में बना लिया, और वो भी वहां खाते थे, जाते थे, आना जाना, आना जाना चालू। अभी क्या हो गया कि ये तो आदमी है, आदमी तो बहुत ही जल्दी लेजी हो जाता है, उन्होंने तो अपने शूज और ड्रेस, जॉगिंग ड्रेस तो फेंक दिया, बोले हो गया, बोले इसका काम अब जिंदगी भर अपने को कुछ करने का काम ही नहीं, जिंदगी भर अपन यहाँ खा सकेंगे, आराम से खा सकेंगे। उन्होंने हॉ एंड हेम में इतने लेजी हो गए, और उनमें इतना घमंड आ गया, बोले हमने तो ये पाने के लिए इतना मेहनत किया हुआ है, हमको नहीं मिल रहा था, अब हमको ये चीज स्टेशन मिल गया, अब तो बस बेस्ट है, अब तो जिंदगी भर देखने की जरूरत नहीं है। बहुत इगोइस्टिक हो गए, और इगोइस्टिक होने के बाद में बस आना, खाना पीना, सो जाना। मगर स्निफ एंड स्करी जो चूहे थे, वो होशियार है, दोनों भी होशियार। उन्होंने अपने जॉगिंग शूज निकाल के बाजू में रखे थे, मगर फेंके नहीं थे। जॉगिंग ड्रेस उन्होंने बाजू में रखा था, मगर फेंका नहीं था, है ना, वो उनके पास में था, और रोज उनका एक रूटीन बन गया था, उनका भी आना जाना और खाते जाना और वापस घर पे चले जाना।